एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम अपन बात करेंगे जो एशियाई स्टेट एंड पुर्तगाल का आज के दिन का तीसरा मुकाबला होगा जो खेला जाएगा फाइटर सीसी और फ्रेंडशिप सीसी के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको डेप्थ एनालिसिस करके दूंगा, बस आपको ये वीडियो अंत तक पूरा वॉच करना है। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर आपको फाइनल टीम न्यू प्लेस के स्टैट्स ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर देखने को मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दूसरा आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को आपको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना है। बात करते हैं इस मैच के बारे में। 5 बजे मैच स्टार्ट होगा, सेम ग्राउंड पर मैच है, बेल एंड सरफेस है, एवरेज इसको 100 से 120 बनता है, 46 मैचेस हो चुके हैं, 23 जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 23 में चेज हुआ है। अब देखो पहले बात करेंगे फाइटर सीसी की टीम की, तो फाइटर सीसी की टीम ने यहाँ पर लास्ट के 6 में से ना 4 मुकाबले जीते हैं और आज भी जो इनका मुकाबला हुआ था वो इनकी टीम ने यहाँ पर जीता था और बहुत अच्छे तरीके से जीता था। दलविंदर सिंह और बलजिंदर राम ने ओपन किया था। दलविंदर सिंह के नाम लास्ट के 6 मैचेस में विकेट हैं 6 और बल्ले से यहाँ पर 4, 14, 52 नॉट आउट, 45 नॉट आउट हैं, बहुत बढ़िया फॉर्म में हैं, सीवीसी के चॉइस रहेंगे। बलजिंदर राम के नाम लास्ट के 6 मैचेस में 3 विकेट, बल्ले से यहाँ पर 1, 28, 4 और 12 हैं। हरजोत सहोता ये भी लास्ट के 2 मैच से अच्छा कर रहा है, 3 मैचेस में 3 विकेट है और बल्ले से 0 और 38 नॉट आउट है। परविंदर सिंह देखो ओपन जब कर रहा था तो फिर भी अच्छा पिक था, लेकिन अभी तो नीचे खेल रहा है, बॉलिंग करवा नहीं रहा तो उतना खास पिक नहीं है। वरिंदर वीरक भी लास्ट के कुछ मैचेस से नीचे खेल रहा है, 36 नॉट आउट, 53 नॉट आउट किए हैं, अगर ओपनिंग में आता है तो ही काम का है, अदरवाइज काम का नहीं है। गुरसेवक सिंह 2 पारी है, 20 और 25 नॉट आउट, ये भी नीचे खेलता है। मनदीप सिंह के नाम लास्ट के 6 मैचेस में टोटल 7 विकेट हैं, इंपॉर्टेंट पिक हैं, बल्ले से 24 और 5 रन हैं। ललित कुमार 5 और 8 नॉट आउट हैं, मोहम्मद बिलाल सिर्फ 1-10 रन की पारी हैं। राहुल के नाम अगर आप देखोगे लास्ट के 6 मैच में 6 विकेट्स हैं, ये भी लगातार बॉलिंग करवाता है, सिर्फ बीच में एक मैच में बॉलिंग नहीं करवाती, और ध्यान रखना डेथ में बॉलिंग कराएगा तो एक ट्रंप पिक बनेगा अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करवाती है तो, ध्यान रखना है बात। गुरविंदर सिंह के नाम लास्ट के 6 मैच में 5 विकेट्स हैं। अभी के लिए देखो मैं यहाँ से रखूँगा दलविंदर सिंह, बलजिंदर राम, हरजोत सहोता, इनके अलावा मनदीप सिंह को रखूँगा और नीचे से गुरविंदर सिंह को रखूँगा, राहुल को अभी मैं नहीं रख रहा हूँ। बाकी बेंच पर जो भी प्लेयर्स हैं इनमें से कोई भी खेले स्टार्ट्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे बलजिंदर राम, मनदीप सिंह, डेथ में आएंगे राहुल और दलविंदर सिंह। अब देखो राहुल इंपॉर्टेंट रहेगा, डेथ में आता है इसलिए अगर पहले बॉलिंग करवाती है टीम तब रखना है इसको। फ्रेंडशिप सीसी की बात करो तो लास्ट के 6 में से 4 मैच जीती है, 2 मैच हारी है। लास्ट जो मैच हुआ था वहाँ पर इन्होंने भी ओपनर बदले थे, वैसे इनकी तरफ से ओपन करते हैं मोहम्मद असदुज्जमान और असलफुल रूपू, लेकिन लास्ट मैच में इम्तियाज़ राणा और असरफुल रूपू ने ओपन किया था। इम्तियाज़ राणा के नाम लास्ट के 6 मैच में 7 विकेट है, लगातार अपने 2-2 ओवर डालता है, इंपॉर्टेंट बॉलर है। असरफुल रूपू एक बहुत बढ़िया बैटर है, 22 है 21 है 30 नॉट आउट है, 0 है 1 है और 60 रन 0 विकेट है। एमडू नजरुल इस्लाम भी बहुत बढ़िया हिटिंग करता है, 53 विकेट, 39 नॉट आउट, 9 बैटिंग, 19-0, 26 है। मोहम्मद असदुज्जमान कम से कम 1 ओवर डालता है, साथ के साथ बैटिंग भी अच्छी करता है। लास्ट के 6 मैचेस में 5 विकेट और बल्ले से यहाँ पर 0-1, 54 नॉट आउट, 1-41, 28 नॉट आउट है। जयद आलाम एक बहुत अच्छा बॉलर है, साथ के साथ बैटिंग भी कर सकता है। लास्ट के 5 मैच में 7 विकेट, बल्ले से 31 और 15 नॉट आउट है। सद्दाम अकबरी 9 बैटिंग 23-12 बैटिंग है। एमडी अब्दुल मोटीन के नाम 4 मैच में 1 ओवर डाला है जिसमें विकेट नहीं है, बल्ले से 1-12 और 7 है। मोहम्मद अल अमीन की बात करूँ तो 17 बैटिंग 2-1 और 9 बैटिंग है। एमडी रकीबुल हसन की बात करूँ तो 10 और 16 है, उतना खास रिकॉर्ड नहीं। रिसात यासर सौरव देखो बॉलिंग इसको लगातार मिल रही है लेकिन विकेट इसके नाम सिर्फ 2 हैं, बाकी ज़्यादा विकेट इसको नहीं मिले हैं। शब्बीर हुसैन लास्ट के 5 मैच में 5 विकेट है और लगातार 2-2 ओवर डाल रहा है। यहाँ से आप पिक कर सकते हो इम्तियाज़ राणा, अशरफुल रूपू, एमडी नजरुल इस्लाम, मोहम्मद असदुज्जमान, जैद अलाम और नीचे से यहाँ पर शब्बीर हुसैन। बाकी बेंच पर जो भी प्लेयर्स हैं इनमें से कोई भी खेले उसके स्टैट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे जैद अलाम, इम्तियाज़ राणा, डेथ के ओवर डालेंगे इम्तियाज़ राणा, अशरफुल रूपू, रियासत सौरव। एनालिसिस वाला जो पार्ट था इस मैच का हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चलते हैं यहाँ पर डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से रखा है अशरफुल रूपू को, बैटिंग सेक्शन से रखा है एन इस्लाम और एच सहोता को,
ऑलराउंडर सेक्शन से मनदीप सिंह, एम असदुजमान, एम जैद अलाम, दलविंदर सिंह, बलजिंदर राम को रखा है। बॉलिंग सेक्शन से इम्तियाज़ राणा और यहाँ से गुरविंदर सिंह सब्बीर हुसैन को रखा है। कैप्टन दलविंदर सिंह, वाइस कैप्टन मनदीप सिंह है। लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम जो भी होगी टेलीग्राम चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको एक तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो थैंक यू भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।